टैंक्स पर आते हैं, आता है नहीं जन्मदिन है पूरा, कनमनी है तो पूरा कर देते हैं, पूरा नहीं है तो और पूरा कर देते हैं। ठीक, देखो कोशिश करो। सबसे पहले तो थोड़ा टेंस के बारे में जान लो, फिर क्या कर लो जान लो, देखते हैं क्या वो धिया पूता है, क्या जानना है। हाँ धिया पूता को ही जानना है कि टेंस क्या वो धिया पूता है, कौन कौन ज्यादा जरूरी है, कौन कौन जरूरी नहीं हुआ है। टोटल तो 12 हुआ ही है, देखते हैं स्टार्ट करेंगे शुरू से ही, इसमें देख लेते कम से कम क्या वो धिया पूता है। ठीक है, रियल में लोग टेंशन नहीं है, टेंशन ही समझ लो इसको। तुम क्या समझ लो कि बेचारे को टेंशन है, आएगा तो तुमको वॉइसो बनाने आ जाएगा, रेशनो बनाने आ जाएगा, ग्रामर का आउट चैप्टर होगा उस सब बनाने भी तुमको आ जाएगा। ये नहीं आएगा तो उसमें भी दिक्कत होगा, थोड़ा थोड़ा जो पड़ जाता है कनी कनी घुसियाल रहता है वॉइसो में रेशनो में, और तुमको यहाँ दिक्कत होगा तो फिर वॉइस में भी दिक्कत होगा, तो नेशन में भी क्या होगा दिक्कत होगा। रीजन क्या है कि घुसियाल है कनी कनी, तो इसलिए सोचते हैं पहले इसी को अच्छे से क्लियर कर दे। ये अगर आसान हो गया तो आगे का चैप्टर और आसान हो जाएगा तुमको, ये समझ लो पूरा खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। टेंस का ऐसे देखेगा रियल में तो तीन गो बेटा है, क्या वो बेटा है तीन गो धिया पूता है। देखते हैं पहला, हाँ प्रेजेंट, ये तो चलो सब जान गए। दूसरा पास्ट, ये भी जान गए। और तीसरा फ्यूचर, लो जान गए। आसान है, मन से नहीं पढ़ा होगा नहीं सीखा होगा, कहीं सर मन से पढ़ लेगा तो सीख जाएगा, जो तो नहीं पढ़ा होगा मैट्रिक तक 11th तक पढ़े नहीं किया, अब जो पढ़ेगा तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया सर, टेंथ का क्या वो बेटा है तीन को है, कौन कौन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज थोड़ा साइड में, कि टाइम होता है तीन को, टाइम भी क्या होता है तीन को। सर कौन कौन, यही बात, एगो सर प्रेजेंट वाला टाइम, कौन टाइम प्रेजेंट वाला टाइम, एगो कौन टाइम पास्ट वाला टाइम, हाँ एगो कौन टाइम फ्यूचर टाइम। ओ इसका मतलब सर उधर से देखेगा तो टेंस तीन को, इधर से देखेगा तो टाइम भी क्या गो तीन को, तो हम कहीं उल्टा पुल्टा कर दे ऐसे ही रहने दे, ऐसे रहने दे, चलो तुम्हारा मन ऐसा ही रहने तो ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक, और अगर दूसरे तरीके से देखेगा तो हम कह देते हैं क्या कि टेंस है चार गो, हम ही कह देते हैं बुक से, यही बात में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है ही ना, टेंस तीन गो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। लेकिन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो सर टाइम होता है, जैसे अभी तुम लोग आया है तो प्रेजेंट टाइम है, कल आया था तो कौन टाइम था पास्ट, कल आएगा तो कौन टाइम हो जाएगा, तो वो टाइम है कि टेंस है कि नहीं, टेंस तो है। ठीक, हम क्या किए हैं टेंस को कर दिए चार गो, क्या वो कर दिया कौन कौन सर, पहला तुम बोल देना सिंपल, देखो नामे से सिंपल है, लेकिन नामे के लिए सिंपल है, ये नाम से भी सिंपल है और नामे के लिए सिंपल, रियल में सिंपल ना है। आ जाओ टेंस, क्या बोले थे पहला हो गया सिंपल, पहला क्या हो गया सिंपल, तो सर दूसरा कौन होगा कंटिन्यूअस, दूसरा क्या हो गया तीसरा क्या हो जाएगा परफेक्ट, तीसरा कौन सा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा, देखो क्या है कि इसको और इसको जोड़ दो तो चौथा बन जाएगा। दूसरा कौन था कंटिन्यूअस, तीसरा कौन था परफेक्ट, और दोनों को जोड़ दो कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलो, उल्टा बोलो क्या दिक्कत है। अच्छा सर सीधे बोल दिए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई चेक थोड़ी करेगा, एग्जाम सर पूछता है कोई तो पूछता नहीं, ताजा तो उल्टा बोलो, हाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो समझ में आ गया सर। एक मिनट के लिए इसको भूल जाना, यहां नजर रखो, कहा एक इस पे नजर रखो, किस पे टेंस पे, किस पे नजर रखो टाइम पे, टाइम पे, टाइम क्या गो
तीन को कौन कौन, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। दूसरा टेंस में नजर रखो, क्या को सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस याद रहेगा। बोलो तो टाइम क्या को कौन कौन, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। अब बताओ टेंस क्या को कौन कौन, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस याद हो गया होगा, मिटा देंगे तो बता देगा कंफर्म ना, चेक करेंगे पहले एक बार देख के बता दो। पहला कौन है कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइम क्या हो, किताब समय कैसे लिखा रहता है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। इस सब का चार चार को लिखा रहेगा किताब में, लिखा रहेगा इसका भी चार गो, इसका भी चार गो, इसका भी लिखा रहता है ना, वो कौन चार गो पता है, यही चार गो है ऐसा ना, इसका तुमको लिखा रहेगा। मतलब जैसे अभी क्या गो देखो, तीन गो हुआ ना, मतलब टेंस का तीन गो बेटा हुआ, क्या हुआ बेटा, और सब का चार चार गो बेटा, इसका भी चार गो बेटा, इसका भी चार गो बेटा और इसका भी चार गो बेटा। तू चार गो बेटा सर कौन है यार, देखो ना ये है चोपा है, देखो यह है, यही तो है, इसी को खोज रहे थे। दूसरा बेटा कंटिन्यूअस, इसका देखो तीसरा, यह चौथा, अब देख गया यही चार गो बेटा है, क्लियर ना, समझ में आ गया ना। तो बताओ तो टेंस का पोता क्या गो हो गया, बारह गो। कैसे देखो, प्रेजेंट का भी है चार गो बेटा, पास्टो का यही चार गो बेटा, अब फ्यूचरों का यही चार गो बेटा, बस समझ में आ गई ना क्या। तो टोटल अगर पूछ देगा कि टेंस का क्या गो पोता था, क्या बोल देंगे, बारह गो। तो टेंस का बेटा है बारह गो कि पोता है बारह गो, पोता है बारह गो, बेटा क्या गो है, सबका चार चार गो है कि नहीं, तो याद रहेगा। कोई पूछ देगा कि टेंस का क्या गो पोता था, क्या बोल देंगे, बारह गो क्या है, पोता। अब बेटा क्या गो है, आराम से बता देंगे, पहले नाम सब जान लो अच्छे से, नाम सब जान लिए तो काम तो जान ही लेंगे, काम भर का बात नहीं है, काम चलते रहेगा आराम से, पहले नाम जान लो। टाइम क्या हो गया तुमको, तीन गो टाइम हो गया, नहीं हो गया कौन कौन, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो छील के पढ़ेंगे आराम से, पूरा टेंस को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। जब पूरा टेंस आ गया तो अंग्रेजी ऐसे ही आसान हो जाता है, तो कोशिश करना सीखने का, जहां डाउट लगे वहां पूछना, एक दो हार्डो है बाकी सब आसानो है, तो हार्ड के चक्कर में आसानो नहीं लोग सीखता है, दिक्कत क्या होता है, मान लो एगो हार्ड है चार गो तीन गो आसान है, तो लोग क्या वो हार्ड के चक्कर में तीन गो आसानो वाला नहीं सीख पाता है, समझ में ना। तो पहले हार्डे को निपटा लेंगे, क्या करेंगे, आसान तो तुमको निपट ले रहता है, बस हल्का सा हिंट देंगे काम हो जाएगा। चलो आई टेंस का यहाँ क्या गो बेटा हो गया, चार गो, रियल है तो पोता है, ये जो चार गो है ये क्या पोता है ना, तो सब सब टेंस का चार चार गो हो गया ना, या सही से देखेगा तो ये जो चार गो बेटा सॉरी पोता है, ये चारों को टाइम में रख के पढ़ते हैं, किस में रख के पढ़ेंगे, हाँ जैसे इस चारों को तुम रख देना इस प्रेजेंट वाला में, इस चारों को तुम रख देगा इस पास्ट वाला में, इस चारों को तुम रख देगा इस फ्यूचर वाला में, बात समझ में आ गया। ओ इसका मतलब सर कुछ नहीं किया, टाइम को टेंस में जोड़ रहा है, सही से देखिएगा तो क्या कर रहा है, इस टाइम को इस किस में जोड़ रहा है, सर उल्टा बोल दिया ना, इस टाइम को इस किस में जोड़ रहा है, टेंस में जोड़ रहा है, तो ये चारों जुटेगा इस प्रेजेंट में, ये चारों जुटेगा इस पास्ट में, ये चारों जुटेगा ही फ्यूचर में, तो वही बारह को निकला है, जो बारह को नाम सुनता है यही बारह होगा, कैसे निकला से पता चल गया ना, अब अलग से नाम रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना, वही समझ में आ गया। मतलब जिसको चार को नाम याद हो गया मतलब बारह को नाम याद हो गया, टाइम तो पहले से याद हो गया होगा तुमको, टाइम तो दुनिया में तीनों को ना होता है, इसके अलावा भी कोई होता है, प्रेजेंट पास्ट और वही टाइम तो लिखा है, यहां तक क्लियर। अच्छा बस याद रखो कि टेंथ चार को होता है, भूल जाओ दो मिनट के लिए, इसको क्या करो, तो टेंस क्या गो चार, कौन कौन, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोला करना, बोलने से भी याद होता है, बोलने से लिखने से समझने से सुनने से सब तरह से याद होता है, हंसी मजाक करने से याद हो जाएगा, तो हम हंसी मजाक में तुमको याद करवा देंगे, हंसी मजाक करेगा तब नहीं याद होगा, हंसी मजाक करवे नहीं करेगा तुमको नाम घुसियाल रहेगा, याद हो जाएगा आराम से आ जाओ। टेंस का क्या को याद रखो तुम, कौन 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 कौन, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट, याद रहेगा, कहीं भूलेगा ना, क्या जन्म नहीं भूलेगा, सात जन्म भूलेगा, तो क्या जन्म है मना बोले, देखो एक तो पते नहीं है उसका, तीसरा है नहीं, तीसरा है, देखो पते नहीं, जहाज पकड़ना गांव में पंडित जी को बताइए आज क्या जन्म है मेरा, ठीक है।
अच्छा अब कुछ नहीं करो, इस चारों को इस तीनों में जोड़ के बोलना है, बोल लेगा तो भाई बोल के बोल लिया जोड़ करके तो तुमको बारह टेंस का नाम याद हो गया। अगर बोल लिया तो बारह टेंस का क्या हो गया, नाम याद हो गया, हमने नाम याद हो जाएगा। दिखा है, अच्छा बोलो, देखो क्या करो, इस सिंपल को तुम तीनों में बोलना, सिंपल हो किस में बोलेगा, तीनों में, तो कैसे बोलेगा एक बार हम दिखाते हैं सर, एक बार आप दिखाइए और फिर मेरा कॉपी कर लेना। देखो तुमको नया कुछ नहीं करना है, हम पूरा रट लिए ठीक है, तुमको मेरा कॉपी कर लेना, हम जैसे जैसे चलेंगे वैसे जैसे तुम भी चलना, हम घर जाएंगे तुम मेरे घर में घुस जाना, दिखता जी सर दिखता है कि वहां तुम अपना घर जाएगा हमारे घर घुस जाएगा। देखो लगता हम खाना खाने हम लोग छिपा लेकर खाना चाहते, रुकिए ना सर पहले चाप लेते, आप ही बोले तो कॉपी करना है, पहले खाना आपका चाप लेते हैं ठीक है ना, हम अपना मोबाइल चलाएंगे ये मेरा मोबाइल छिड़ी चलाना स्टार्ट कर रहे, तो आप ही तो बोले तो कॉपी करना है, तो कॉपी करना सब ना 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 ना, मतलब पढ़ाई का चीज बोर्ड पे जो छापेंगे जैसे बोलेंगे जो करेंगे वो कॉपी कर लेना ठीक है, उसी से लोग सीख जाता है ठीक है। तो देखो कैसे बोलना है तुम सर, इसको जोड़ के बोलेंगे तो पहले प्रेजेंट बोले कि पहले सिंपल बोले, ये चारों को जोड़ना है ना, तो पहले प्रेजेंट बोले कि पहले सिंपल बोले, नहीं हाँ समझ गया ना, बपजेट है ये, हाँ बदमाश होता नहीं है वो बपजेट है, कौन पहला वाला, ये सिंपल एक नंबर का, क्या नंबर का, पहले बाप का नाम ना, प्रेजेंट देखो बाप है ना है, पहले बाप का नाम तब ना बेटा का नाम, पहले बेटे आ जाता है तब बाप, उल्टा नहीं हो गया, पहले पप्पा का नाम लेगा तब ना बेटा का नाम लेगा, तो ये बेटा है ना, ये कथी है पोता ना भाई, सही से देखेगा वहां छील करके तो पोते था ना, ये चारों कौन है पोते ना है, बेटा तो ये तीन को है ना, तो उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा, मतलब पहले तुमको बोलना पड़ेगा पोता उसके बाद बेटा उसके बाद दादा, लेकिन एक गो भी बबजेट बोला मैं खाली, लेकिन बोले सिंपल नामे के लिए है, जो बेटा सिंपल दिखता है खाली, रियल में सिंपल नहीं है, नहीं है वो, वही चीज देखो, तो पहले क्या बोलेगा, पहले पप्पा का नाम, नहीं कौन है पप्पा ना है, हाँ ये पप्पे ना हो गया, तीनों पप्पा हो गए, लिख देते हैं पप्पा, अब याद रहेगा गलत लिख दिया क्या, पापा देखो यो पापा है, यो क्या है पापा, यो के पापा, ये सब के चारो पोता ना, लिखो पोता, ये पोटा भी होता है, वो पोटा मत लिख देना, नहीं रे नाक वाला पोता देखता, ये तो पोता है, आ जाओ पोता, ये क्या हो जाएगा पोता, हाँ आराम से मन से सीखना, तुमको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि तुम क्लास में बैठे रहे, तुम सब जो घर में बैठल है ऐसे हंसी मजाक चल रहा है घर में, गैलरी में बैठल है उन्हें पापा हंसी मजाक कर रहे हैं, उन्हें चाचा उन्हें कोटला खुप्पा उन्हें भौजी ठीक है ना, और तुम ही बीच में घुस जाके हंसी मजाक अपना कर ले, बस वही करना है, तो सीख जाएगा, और जब ये तुम सीरियस होकर बैठा, नहीं नहीं आज से नहीं का कॉपी खोल के बैठते सीरियस होकर साफ सुथरा से पलथी मार के, आज से टेंस सीखेंगे नहीं सीख पाएगा, हंसी मजाक भी इंसान सीख लेता है कोई भी चीज, लेकिन वो सीरियस होकर बैठेगा तो नहीं सीख पाएगा, तो सीरियस होकर बैठेगा हाँ हंसी मजाक करेंगे, चार को में से तीनों को आ गया तो हो गया ना, कौन हमको टॉप करना है समझ में ना, 80 नंबर चाहिए हमको, 85 चाहिए हमको, 100 में 100 नहीं चाहिए समझ में ना, जिसको 100 में 100 चाहिए वो अपना सीरियस होकर बैठेगा, तुमको 100 में 100 चाहिए तो हमको 85 दिलाई ना काफी है ना, कम है उगर से देख रहा है कि सर नहीं सर जी हम तो देख क्या है 99 का सपना, आप हमको 85 पर रुकवा रहे हैं, रुको ना 85 हो जाएगा तो 99 भी हो जाएगा, 85 तो होने दो ठीक है, चाबी वहां खोलो आ जाओ ठीक है, तो पोता है अभी सब कौन है पप्पा है, तो देखो उल्टा होगा नाम, अच्छा आज हम लोग पहले नाम याद करने का कोशिश करेंगे, क्या याद करेंगे नाम। सर नाम याद करवाइए बारह टेंस का पहले चुपचाप देखते हैं कैसे याद करें, पहले तुम बोलेगा पोता का नाम कि पहले पप्पा का नाम, रियल में पहले पप्पा ना, पहले रियल में क्या पप्पा, उसके बाद ना बेटा, ये दादा है, ये टेंस तुमको क्या हो गया दादा, दादा पापा पोता ठीक है ना, तो पहले लोग दादा करना, देखो दादा से बेचारा बूढ़ शुरू हो गया बेचारा, अब सबसे लास्ट में वही ना होता है, अब घर में तुमको खोजने जाएगा तो पहले तो पापा को खोजेगा, नहीं पापा है तुम ही से कहेगा लाओ तुम ही बताओ तुम ही कर दो कोई काम, और तुम भी नहीं रहेगा तब कहेगा दादाजी है, यही ना होता है, तो दादाजी फिक्स है बेचारे, अब जब भी आएंगे सबसे लास्ट में आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे, बेचारा बूढ़ शुरू हो गया तो क्या करेगा तुम, अब किसके घर चलियो गए होंगे, जिंद है जिंद है, देखो बेचारा चले गए बहुत दुख हो रहा है उसको, कहीं देखा रो ना दे बेचारा जी ठीक से देखते रहना, आ जाओ देखो नाम याद करना है ना, देखो नाम बताते हैं, चारों का नाम एक के बार में याद करवाते हैं, मैं मार्कर एक निकल रहा है, मार्कर दूसरा लत रुको, इसको छापो
देखो, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, टेंथ का नाम याद करवा दीजिए, तब आराम से चुपचाप बारहो पढ़ लेंगे, नहीं हो जाएगा चार गो, ये चार गो है ना, अब तीन गो टाइम में पढ़ेंगे ना, टेंथ क्या गो सही से देखेगा तो चार गो, और क्या गो टाइम में रख के पढ़ना है, तो गुना करके देखो तो सर चार गो है और तीन में रख के पढ़ना है, चारों को तीनों में रखना, चारों को पहले कहाँ रखना है सर, इस वाला में, चारों को पहले कहाँ रखना है पांच वाला में, चारों को पहले कहाँ रखना है, तो सर चार बार रखेंगे, मतलब तीन बार रखेंगे, इसमें रखे तो चार हो गया, फिर इसमें रख दिया तो चार, फिर इसमें रख दिया तो चार, तो बताओ टोटल क्या गो हो गया, इसका मतलब बारह गो टेंस पढ़ना है, कहां से बारह गो निकला सो समझ गया, हम कहीं पूरा छील के जा रहे हैं, जड़ पकड़े हैं, क्या पकड़े हैं, सीधे एक तरीका है कि सीधे पढ़ाना स्टार्ट कर रहे थे, सिंपल प्रेजेंट अटेंड, सिंपल प्रेजेंट आगे भाई, सिंपल प्रेजेंट अटेंड, लो ना ऐसे जोड़ देते, सीधे पढ़ना स्टार्ट कर लेते, एक तरीका, एक एक नहीं पहले छील के बताया है, जो पढ़ेंगे वो कहाँ से निकला, कैसे तो कैसे निकला समझा कि नहीं, चार गो टेंस हो गया और तीनों टाइम में रख के पढ़ना है, बात खत्म है, हाँ 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 बोलो जल्दी, हाँ खुला है, हाँ तो ये तो समझ में आ गया ना, अब देखो नाम थोड़ा लिखते हैं, देख कुछ नहीं है, बहुत आसान है, पहले सिंपल, पहले क्या पढ़ेंगे सिंपल, सिंपल डैश टेंस, हाँ बोलो, हाँ 10:30 बजे थ्योरी चलेगा एमएस वर्ड का, ठीक, देखो क्या बता रहे थे, तो पहला क्या पढ़ेंगे तुमको, हाँ सिंपल ना, अच्छा पोता का नाम लिख दिए, फिर पापा का नाम आएगा, तो पापा क्या गो है, तीन गो समझो ये, इसमें से देखेगा तो नहीं, प्रेजेंट वाला, पास्ट वाला और फ्यूचर वाला, ये तीन गो हो गए ना, तो तीनों आ सकता है, तो देखेंगे प्रेजेंट पढ़ेंगे तो प्रेजेंट रखेंगे, पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट रखेंगे, फ्यूचर पढ़ेंगे तो बारह, नाम लिख लेते हैं, नाम लिखना सिखाते तुमको, तो पहला तो हो गया सिंपल डैश टेंस, देखो चारों को लिख देते हैं, हम चारों का फॉर्मेट तैयार कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बस तुमको बार बार खाली जगह पर रखना है, एक बार रखना प्रेजेंट, एक बार रखना पास्ट, एक बार रखना, मतलब ये तीनों आएगा यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स पे, ना आएगा दूसरा देखते हैं, लिख देते अच्छे से, दूसरा दूसरा पहले होगा कंटिन्यूस ना, तो देखो ये सब ठीक है, ये पहले किसका पोते का नाम ले लिया ना, लेकिन ये सब नहीं, नहीं पहले पप्पा उसके बाद अपना, हाँ बेचारा होशियार है सीधा, इन देखो सिंपल तो ही है, होशियार ये है ना, इनाम के लिए सिंपल है, काम के लिए सिंपल है, यही ठीक है ना, अच्छा तो पहला दूसरा हो जाएगा तुमको, पहले पापा कौन है, प्रेजेंट ना, चलो प्रेजेंट डैश टेंस, प्रेजेंट लिख दिया ना, प्रेजेंट बाहर लिखना था हमको, तो कंटिन्यूस लिखना है पहले, पापा तो तीन गो है ना, वो तो घुसी आएंगे बाद में आराम से, डैश कंटिन्यूस टेंस, ये हो गया, देखो यही फिल द ब्लैंक्स है, यही तुमको भराएगा, जरा बताओ क्या भराएगा, सिर्फ प्रेजेंट है, पास्ट भी फ्यूचर भी तीनों ना, चलो क्या वो टेंस लिख दिए, दो लिख दिए, सच में देखो तो छील करके छह गो ना, आया समझ ना, तीनों गुतिया आए इस बार, तीन गो फिर तीनों गुतिया आए, छह गो टेंस लिख दिए, हाँ समझो ना कि तुम कोरिया है, तुम क्या है, एक नंबर का, तुमसे बड़का कोरिया कामून को घर है, नहीं पता घर नहीं पता, बंजारा था, समझो कि तुमसे बड़का कोरिया पूरा बंजारा में कोई नहीं होगा, तो तुम बारह बार लिखेगा, चार बार लिखेगा, बारह का बारह है, देखो तो सही, आ जाओ तीसरा दिखाते हैं, तीसरा में क्या करेगा, वही बात पहले किसका, हाँ होगा ही, तो ठीक है होशियार है, एक को ना खाली बुर्बक है, चलो तो पहले लिख दो यहाँ, यह परफेक्ट 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 टेंस, चौथा बस यही नाम पहले लिख दो, इस देखो तीनों में क्या किए, खाली स्थान छोड़ दिए, ई लिख दिए, ई लिख दिए, ई लिख दिए, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्लास में याद हो जाएगा, हाँ बस तुम मन से बैठो पलती मार के, देखो ठीक है पलती मार लेगा, वाह गजब, इसको इस बार भारत रत्न इसी को दिलवाएंगे हम, बात करते हैं मोदी जी से, भारत रत्न बांटेंगे तो कहेंगे उसको भी दे दीजिए ना, चलो ठीक है,
देखो आसान है, आसान क्या है, देखो क्या दिक्कत है कि देखो लास्ट में इटर तो दादा है ना जी, दादा है ठीक है, दादा का नाम यूज किया है सब, किसका यूज किया है, दादा का। देखो घर पे नहीं तुमको पढ़ना है, बस ये बात मन में सेट कर लो, तुमको घर पे कोई कॉपी खोला, हम सुन लिए कि कॉपी खोला था तो फिर देखना पीट देंगे हम, घर पे नहीं मतलब सर एक घंटा हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, यहीं पढ़ेंगे घर पढ़ेंगे तो हो गया, अब पबजी क्या खेलेगा क्या भाई, और काम से फेसबुक क्या खेलेगा, फेसबुक खेलेगा कौन चलाएगा भाई, व्हाट्सअप कौन मैसेज करेगा, उस सभी काम तो है। तो घर पास कोचिंग में एक घंटा पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है तुमको, समझा गया ना, जो कोशिश करेंगे कि सर हम जितना बॉल फेंकेंगे सारा बॉल तुमको क्लास में कैच करना है, कोई बॉल कैच नहीं सर फिर से फेंकिए, आया समझना, हम उठा के फिर से फेंक देंगे तब तो कैच हो जाएगा ना, फिर भी नहीं हुआ एक बार फेंकिए फेंक देंगे क्या दिक्कत है, हो जाएगा तीसरा बार हो जाएगा ना, चौथा बार फेंक देंगे कहा जाता है, तुमको मन लगा कर चुपचाप पलथी मार के बैठा घर पे, लेकिन घर पे कॉपी खुलेगा हाँ देख लेना, और कॉपी पुरनका लेके आना, कोने का कॉपी लेके मत चले आना, हाँ कहीं कुछ होता है इंग्लिश शुरू से चालू हो रहा है कहीं नहीं का कॉपी लेके आता, नहीं कर लाया पुरनका कॉपी तो ला रहे, पहले पुरनका कॉपी खत्म कर देंगे तब नहीं का कॉपी, पहले कौन कॉपी खत्म करेंगे, जब बुरा लगे सर पुरनका घर में सब खत्म है, अब नहीं का कॉपी सब में लिखाइए तब ना, पहले पुरनका खत्म करो आ जाओ। अच्छा इसमें कुछ भूल गए, टेंस की दादा, देखता है अभी जिंदे है बेचारे का, किसका दादा मर गया, इसका मर गया बेचारे का, तुम्हारा तो इसका तो जिंदे है, जिंदे है ना, देखो देखो छूट जाता क्या दिक्कत है, छाप दो, लो छाप दिए ना, छाप दिए तो बताओ दादा हो गया तीनों में, इसका मतलब सर कोई भी टेंस होगा लास्ट में किसका नाम लिखेंगे, दादा टेंस है ना, दादा है, टेंस क्या होगा तुमको, अब देखो अब, अच्छा उसके पहले के पप्पा, देखो ई के है पापा, ये पप्पा लिखते हैं पप्पा, लो पप्पा, ओ यहाँ पप्पा शुरू में आ गया, देखो पप्पा शुरू में आ गया, पोता है, पोता, ओ गलती पप्पा थोड़े ही पोता है, पोता जाओ जाओ, पप्पा के जगह से ई है, देखो पप्पा यहाँ पे आएगा, पप्पा यहाँ पे क्या आएगा, पापा, यहाँ पे क्या आएगा, पापा, यहाँ पे क्या, पापा, यहाँ तो देख लिया है, तो शुरू में पापा आ रहा है और लास्ट में दादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन इसमें तो कंडीशन गड़बड़ा दिया, ये पोता बपजेट होगा, एक दो को होता है कि नहीं गांव में बदमाश, बदमाश हाँ मतलब पहले अपने आ गया तब पापा तब दादा ऐसे होगा, पहले क्या थी, हाँ ई चुपचाप पहले पापा उसके बाद पोता और लास्ट में तो दादा बेचारा क्या करेंगे कुर्सी पर चुपचाप बैठे रहेंगे के है बस चलते रहेगा यह ना, हाँ चलो ठीक है। अच्छा पप्पा तो तीन गो यह ना पप्पा है, एक तरह से देखेगा तो ये पप्पा लो, हाँ तो पप्पा क्या गो, कौन कौन, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, तो यहाँ पे कौन कौन आएगा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, हाँ बोलते चलो पूरा कॉन्सेंट्रेशन बनना चाहिए, इसमें क्या क्या आएगा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, यहाँ क्या आएगा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, यहाँ क्या आएगा, आसान नहीं है, बारह नाम देखेगा तो याद हो गया होगा, नहीं याद हो गया होगा, झूठ बोल रहे हम, अब घर पे तू कॉपी खोलेगा अब देखेगा, ओ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ऐसे करेगा, बैठिए ना बगल में पढ़ाइए देंगे हम, नहीं पढ़ा देगा, अब किसी बच्चा को अगर टेंस पढ़ाना होगा तो नहीं पढ़ा देगा, तुम तो पढ़ो ऐसे कि जो पढ़ने में पढ़ा सके, छपा छपोवल नहीं कहीं कम, सिखा सिखावल कहीं ज्यादा, एग्जाम में कौन काम देगा, सिखा सिखावल कि छपा छपोवल, सिखा सिखावल होना चाहिए ना कि छपा छपोवल, हाँ मेरे पास छपा छपल भी है, जिसको जो चाहिए सब मिलता है, दही चूड़ा चीनी अचार सब मिलेगा, ठीक है ना, तो तुम देखो तुमको क्या चाहिए, जो मांगेगा वही दे देंगे, आ जाओ तब बारह नाम याद करने का कोशिश करें, तो बहुत आसान है, इस बस एगो में दिक्कत है, पहले पोता आ जाता है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, तो देखो तो पहले ये निपटा लेते हैं, तो देखो शुरू में क्या बोलेगा, अब तुम बोलना सिंपल के साथ बोलना प्रेजेंट, फिर बोलना पास्ट और फिर बोलना फ्यूचर, ठीक है ना, तो एक एक करके चेक करते आ जाओ, तो बोलेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, एगो नाम याद हो गया, फिर बोला सिंपल पास्ट टेंस, दो गो याद हो गया, फिर बोला सिंपल फ्यूचर टेंस, तीन गो याद हो गया, नहीं याद हो गया, याद तो सही था, बिना भाषा का रिविजन करवा रहे ना,
ब्रेन में सेट कर रहे हैं, आ जाओ। हम क्या कर रहे, थोड़ा टाइट कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं टाइट का, लास्ट में वेल्डिंग कर देंगे, झंझटे खत्म। तब तो नहीं टूटेगा, अगर नहीं वेल्डिंग किया रहेगा तो कहीं 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 ढीला हो जाएगा, तो ढीला हो जाएगा हमें दिक्कत होगा, तो ढीला रखेगा। हाँ टाइट कर दो, टाइट करने के बाद वेल्डिंग कर दो, झंझट खत्म ना। वेल्डिंग है, कोई रिंचो लेके जाएगा तो खुलेगा, अरे भाई वेल्डिंग के लिए, तब कैसे होगा, तोड़ तार करना पड़ेगा। चल जब तक जिंदा रहेगा तो कहते तोड़ तार कर, मर ही जाएगा। अच्छा इनाम याद हो गया, एक बार चेक करे, बोलो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, तीन गुना याद हो गया। क्या काम है, बात की बात है, नाम तो याद करवाइए। दूसरा आ जाओ, फिर वही तीन को रखाएगा, हम कौन का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, छह को नाम याद हो गया, दिखाए दुए को याद करवाए छह को, यह ना ठीक जादू है, जादू नहीं है, देखो लिखा है दो याद हो रहा है छह, यह एक का तीन, ये क्या है सुना था, एक का तीन ने सुना था, सुन लो क्या, अल्लो देखो एक का तीन सुन गया ना, एक का तीन चलेगा आज, क्या चलेगा, कोई पूछे आज क्या चला तो बोला एक का तीन चला है, क्या चला है एक का तीन, तो देखो ये दूसरा हो गया, तीसरा चेक करे, तो शुरू में क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आसान तो है नहीं, आसान है। तीसरा चेक करे, चौथा बोलो कौन, बोलो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो नाम नहीं याद हो गया, अब भूल जाएगा, क्या जन्म, सात जन्म, सात जन्म भूलेगा, आठवां जन्म होगा तो देखा जाएगा, जन्म नहीं होगा, देखो उसका तीसरा है कारा जन्म नहीं होगा, याद आएगा ना। अब बस बारहों का, अच्छा इधर छाप लेना, अब बारहों का नाम हम लिख देते हैं, कहाँ लिखेंगे, काय लिखे, चुपचाप यहाँ लिखते हैं, लो ना देखो, बस यहाँ पप्पा के जगह सेट होगा, कौन प्रेजेंट, और कौन पास्ट, और कौन हो गया, नहीं होगा पप्पा की जगह कौन आएगा, जहां जहां पप्पा लिखा ले वहां वहां क्या आएगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट ऑफ फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट ऑफ फ्यूचर, एक बड़ा और प्रेजेंट पास्ट ऑफ फ्यूचर, चौथा वाला के लिए अलग अलग बोल रहे थे, जैसे यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, तो बारहवा नाम लिख लेगा, सीरियल से लिख के दिखा देगा, पहले तुम चारों में प्रेजेंट पुट करना, फिर चारों में क्या पुट करेगा, फिर चारों में क्या पुट करेगा, नहीं कर लेगा, अभी करके दिखा देगा, दिखा दे, देखो टेंस के नाम का चार्ट दे दिए तुमको, क्या बना दिया, टेंस के नाम का चार्ट, याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो देख के बोल देना, एक दो दिन देखोगे बोलेंगे तो सीधा दिन ऐसा आएगा तीसरा दिन कि बिना देखे भी तुम क्या कर सकता है, बोल सकता है। अभी तो जो सीखे यही चीज सीखे, यही नाम तुमको याद करवाना चाह रहे थे, नाम याद हो जाएगा तो फिर काम याद करवा देंगे, फिलहाल नाम पढ़ रहे हैं तो नाम याद हो रहा है, और जब काम पढ़ेंगे तो काम याद होने लगेगा, यही ना जी, तो बोले क्या वो बोलेगे, टेंथ का क्या वो बेटा हो जाएगा, तीन वो कौन कौन, तो सर प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ये बात याद होगी हमको, कभी भूलेगा, अब किसी को पढ़ाना होगा तो कॉपी देख के पढ़ाएगा कि बिना देख ले पढ़ा देगा, नहीं पढ़ा देगा, कहेगा टेंथ का तीन वो बेटा, तो हो गया लिखना कौन कौन, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, सोचो कि तुम थोड़ा पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे नहीं बोलेगा कि देखो बाबू टेंथ का तीन वो बेटा होता है, क्या बोलेगा, टेंस का तीन को बेटा होता है, कौन कौन, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, और सब का चार चार को बेटा है, मतलब प्रेजेंट का भी चार को बेटा है, पास्ट का भी चार को बेटा है, और फ्यूचर का भी क्या को बेटा है, तो टोटल टेंस का पोता क्या को हो गया, बारह को, ये बात समझ में आ गया ना, बेटा तीन को लिख दिए सही लिखे हैं, और सबका चार चार को पोता लिख दिए, टोटल क्या को पोता हो गया, सर चार को पोता यहाँ, चार को यहाँ, चार को यहाँ, क्या को पोता हो गया, बारह हो गया, इतना तो याद रहेगा, ठीक है। अब प्रेजेंट में जो होगा पोता जो है तो देखते हैं प्रेजेंट वाला पोता कैसा है, पास्ट वाला पोता कैसा है, अब फ्यूचर वाला पोता कैसा है, बताओ अलग अलग है कि एक जैसा है, नहीं एक जैसा है, बताओ, तो प्रेजेंट वाला पोता सिंपल कंटीन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट सेम यही तो लिखा है सर, सिंपल कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये बताओ सिंपल कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चारों पोता का मुंह कान एक जैसा है, मुकान यहाँ नाम एक जैसा है, नाम लेकिन काम अलग अलग है, मुकान तो एक जैसा लग रहा है ना भाई, तो नाम एक जैसा लेकिन काम
अलग अलग है, तो हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? आराम आराम से। पहले पढ़ लेंगे सिंपल वाला। क्या पढ़ लेंगे? सिंपल वाला। जैसे पहले ये सिंपल पढ़ लेंगे, सिंपल प्रेजेंट और टेंस, नाम ऐसे बोलेंगे। नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेगा? सिंपल वाला खाली पहले बोलते हैं ना, सिंपल वाला क्या होता है पहले बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, और पास्ट वाला का बोलना होगा तो सिंपल पास्ट टेंस। फ्यूचर वाला का बोलना होगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस। तो पहले सिंपल वाला पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? हाँ, पहले सिंपल में तीनों, और सही से वर्ड चार्ट बनाते थोड़ा देखो तो सिंपल में तीनों पढ़ना है। सिंपल में तो बताओ, सिंपल में क्या वो पढ़ेगा? तुम बताओ सिंपल में क्या वो टकरा रहा है? देखो तो सर सिंपल में तीन गो, एगो सिंपल, दो गो सिंपल, तीन गो सिंपल। कौन कौन बताओ तो जरा हमको, सिंपल में तीन गो कौन कौन? हाँ, प्रेजेंट, पास्ट और कौन? फ्यूचर। यही ना तीन गो टकरा रहा है सिंपल में, ये टकरा रहा है। इसी तरीके से बस यहां बदलेगा। अब नाम दो तीन तरीके से याद कर सकता है, सीधा भी, उल्टा भी, पुलटा भी, सुलटा भी। सुलटा याद करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? देखो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर फिक्स है कि नहीं फिक्स? बस यहां बदलेगा, सिंपल की जगह दूसरा वाला रख दो तो हो जाएगा कंटिन्यूअस में तीन गो। कंटिन्यूअस की जगह रख दो परफेक्ट तो हो जाएगा तीनों गो। रख दो वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस तना हो जाएगा। जैसे बोलेंगे तो बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट दादा का नाम लास्ट में टेंस, दूसरा बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। कंटिन्यूस में बोलेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। दूसरा सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस सिंपल की जगह तुम तीसरा रखना, ये वाला परफेक्ट है ना। तो देखो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा रखेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर रखेगा ना, तो बोलो क्या बोलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दोनों एक साथ बोलना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बारहों नाम बोल दिए, ने बोल दिए, याद हो गया नाम ना? तो टेंस का नाम याद हो गया। चलो नाम याद हो गया तो काम याद करवा देंगे, तो कल से काम याद करेंगे। क्या याद करेंगे? अच्छा सर काम याद कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे सो देखो, आराम आराम से पढ़ेंगे। पहले सिंपली निपटा लेंगे, पहले किसको निपटा देंगे? सिंपल में एगो सिंपल की तीनों सिंपल, तीन गो सिंपल है ना, तो तीनों सिंपल। सिंपल प्रेजेंट निपटाएंगे, फिर निपटाएंगे सिंपल कांगे, सिंपल पास्ट निपटाएंगे, और फिर निपटाएंगे सिंपल फ्यूचर। यही तो निपटाएंगे सर, लिख लेता है यहाँ पे। सिंपल प्रेजेंट निपटा देंगे, ज्यादा लगे बात की बात है, दस दिन का या बीस दिन का लगे, दो महीना का लगे, लगने तो फिर निपटाएंगे सिंपल, और फिर निपटाएंगे सिंपल। अब अगर हम लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे तो बुझेगा ना क्या है? अब वहां पे नहीं ना बुझाना पड़ेगा, तो पहले बुझा दिए, ठीक है ना? रहने काफी है, सब रिकॉर्ड करके मिल जाएगा, जाके यूट्यूब पर भी देख लेना।